हेलो फ्रेंड्स एंड डियर चिल्ड्रन, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो लेक्चर में, जो कि आज शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कवर करेगा। एक बीम कंसीडर करते हैं एबीसी, जो कि ए और बी पर सिंपली सपोर्टेड है और इसके मिड स्पान पर सी पॉइंट पर एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड। तो पहली स्टेप है कि सबसे पहले हमको इसके सपोर्ट रिएक्शंस निकालने हैं। सपोर्ट रिएक्शन का मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि मेरे सपोर्ट रिएक्शंस पर करीब करीब 9 लेक्चर्स, जो कि लेक्चर नंबर 12 से लेकर 20 तक है, वहाँ पर आपको सपोर्ट रिएक्शन का पूरी तरह से कंसेप्ट मिल जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं सपोर्ट रिएक्शंस के लिए सबसे पहले हमको 2 या 3 जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ती है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाली बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 में हम लेंगे ए के अबाउट मोमेंट्स लेंगे। अब ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये अपना जो सपोर्ट है ए और बी पे, इसको हटा के हम यहाँ पर रिएक्शन लगाते थे आर ए और आर बी। अब ये आर बी एक फोर्स है, आर ए भी एक फोर्स हो गया और ये 10 किलो न्यूटन का भी फोर्स हो गया। नाउ दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस आर ए, आर बी एंड 10। तो ये तीनों फोर्स जो हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ मोमेंट लगाएंगे, लेकिन जैसा कि हमको मोमेंट की डेफिनेशन से पता है, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, मोमेंट के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, तो उसके हिसाब से मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखोगे अगर मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं, तो ये जो आर ए फोर्स है वो ए मोमेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने की वजह से यहाँ पर एक मोमेंट 0 बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब ये आर बी जो फोर्स है, वो आपका जो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। ये आप देखिए इसको, बीम को अपन स्केल से देख लेते हैं, ये बीम है, अगर नीचे से इसको फोर्स लगा रहे हैं तो इट विल मूव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा इसका। तो हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज को एक तरफ रख दिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 5 + 5 = 10, आर बी इंटू 10 रख दिया। अब आते हैं हम पॉइंट लोड पे। अभी पॉइंट लोड को अगर आप देखेंगे तो पॉइंट लोड जो है, ये पॉइंट लोड मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है और अगर बीम के ऊपर इसको एक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 10 × 5, बिकॉज 10 जो है लोड की वैल्यू है और यहाँ से ए की दूरी है 5, तो 10 × 5। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, एल्जेब्रिक सम आ गया, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई आर बी इज इक्वल टू 5। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10, बिकॉज आर ए और आर बी ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है और 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड को डाउनवर्ड से इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये समेशन बी इज इक्वल टू 0 या वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम आ जाएगा। अब यहां पर आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो यहां पर आर ए की वैल्यू आ जाएगी 10 − 5 = 5। अब यहां पर आर ए भी 5 आ गया, आर बी भी 5 आ गया, तो यहां से आपको एक सिग्निफिकेंट चीज मिल रही है कि अगर किसी भी बीम के ऊपर लोड मिड स्पान पे लगा हुआ है और उसकी दोनों तरफ से दूरी बराबर है और एक ही लोड लगा हुआ है, तो आपके रिएक्शंस दोनों बराबर आते हैं। तो ये हमारी स्टेप 1 है कि कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। अब शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमको जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस हैं उनको हमको एल्जेब्रिक सम निकालना है और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है पॉइंट ए से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसके स्पान के बराबर की एक लाइन खींच लेंगे और ये एक्स ऑडी, ये एक्स एक्सिस कहलाएगी। अब चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो हमारा शेयर फोर्स रहता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर
पॉजिटिव रिएक्शन की वैल्यू के बराबर रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन की वैल्यू है 5, तो हम ये यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू रखेंगे प्लस 5। तो y एक्सिस पे हम ले लेंगे प्लस 5। और इसमें एक और चीज़ आती है कि किन्हीं भी दो पॉइंट लोड के बीच में शेयर फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लोड ये रिएक्शन हो गया और एक पॉइंट लोड यहाँ पर हो गया आपका सी पॉइंट पे 10 किलोन्यूटन। तो ये जो आपका प्लस 5 है ये सी पॉइंट तक आपका कांस्टेंट जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड से शुरू किया और लेफ्ट हैंड पे हमने इसको प्लस 5 दिया और यहाँ तक ले आए। अब इसके बाद इसको जो जो लोड मिलता जाएगा उसको हमको अपवर्ड फोर्स को इसमें प्लस करते जाना है और डाउनवर्ड फोर्स को इसमें से माइनस करते जाना है। अब यहाँ पर हमको 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है और ये है प्लस 5। तो हमारे यहाँ पर शेयर फोर्स होगा प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कॉन्स्टेंट लेके आए थे, अब यहाँ पर हम प्लस 5 को से नीचे ले जाएंगे और माइनस 5 तक ले आएंगे। तो ये आ गया माइनस 5। अब हम दूसरा पॉइंट लोड ढूंढेंगे और दूसरे पॉइंट लोड तक इसको कांस्टेंट ले जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट लोड हमको यहां पर मिल रहा है आरबी इज इक्वल टू 5। तो आरबी तक हम इसको माइनस 5 ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आरबी तक हो गया माइनस 5। अब ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। ये हाफ पोर्शन में प्लस 5 और नेक्स्ट हाफ पोर्शन में माइनस 5। यहां से आपको एक और चीज समझ में आएगी कि राइट हैंड एंड पे आपका जो शेयर फोर्स होता है वो राइट हैंड रिएक्शन का नेगेटिव होता है। तो यहां पर जैसे रिएक्शन है आर बी इक्वल टू 5, तो यहां पर आपका शेयर फोर्स आ गया माइनस 5। चलिए अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता है वो पॉजिटिव रहता है, बिकॉज यहाँ पर आप जैसे लोड लगा रहे हैं तो आपका जो बीम है सैग कर रहा है। और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज स्माइलिंग बेंडिंग मोमेंट एंड इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा। अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है या हॉगिंग है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट सैगिंग रहता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि बेंडिंग मोमेंट ये आपका इस प्रकार से अगर यहाँ पर लोड एक्ट करते हैं तो ये सैग करता है और स्माइलिंग फेस बनाता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एंड सपोर्ट्स पर ज़ीरो रहता है, तो हमारा ए और बी पे ये ज़ीरो रहेगा। अच्छा, ये बेंडिंग मोमेंट को हम ये चेक भी करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट हमारा सबसे मैक्सिमम वहाँ पर होता है जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। अब वो पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पॉइंट पे है, यहाँ पर शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अब हम सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम सिर्फ बीम का सी बी पोर्शन कंसीडर करेंगे। अब सी बी पोर्शन में आप देख रहे हैं कि दो लोड एक्ट कर रहे हैं, एक 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स और एक 5 किलो न्यूटन का जो कि यहां पर रिएक्शन पर है अपवर्ड फोर्स। नाउ ये डाउनवर्ड फोर्स का सी पॉइंट पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा है, तो यहां पर इसका बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। इस 5 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा 5 × 5, दैट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए बिल्कुल सी पॉइंट के नीचे प्लस 25 का, और ये पॉइंट्स को क्योंकि यहाँ पर जीरो है और बीच में इनके कोई लोड नहीं है ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप इसको ज्वाइन करके एक फिगर बना दीजिए। दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। शेयर फोर्स डायग्राम ये है आपका और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है। तो बच्चों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं अपने लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the video.